अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज काफ़ी अरसे बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत थी और आज मुझे मौका भी मिला सुजुकी स्विफ्ट का। मैं काफ़ी अरसे से इसकी फाइंडिंग कर रहा था तो आज मुझे अवेलेबिलिटी इसकी हुई तो मैंने सोचा आपके लिए रिव्यू ले आता हूँ। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2023 मॉडल है और गाड़ी के हम रिव्यू करेंगे, शॉर्ट रिव्यू। और गाड़ी के अंदर बहुत से अच्छे ऑप्शन आपको भी इंटीरियर में जाकर नजर आएंगे। तो गाड़ी का रिव्यू फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट्स देख लें तो गाड़ी में आपको प्रोजेक्शन LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फिर DRLs और जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन में मिलते हैं। गाड़ी की जो लाइट है काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन में है और नीचे की तरफ आए तो आपको हैलोजन में इसकी फॉग लाइट मिल जाती है। बम्पर की बात करें तो बम्पर में आपको फ्रंट पे ग्रिल मिलती है, सुजुकी के एम्बलम, एक क्रोम की गार्निशिंग जाती नज़र आती है, नीचे नंबर प्लेट की ऑप्शन। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन की है। साइड की तरफ आए तो गाड़ी के साइड पे फेंडर पे जैसे पिछले मॉडल में साइड पे आपको साइड इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, इस मॉडल में आपको नहीं मिलती। इसमें आपको साइड मिरर्स में ही LED लाइट इंस्टॉल की गई है। नीचे देखें गाड़ी में तो गाड़ी में बहुत खूबसूरत टू टोन कलर में आपको अलॉय रिंग्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। गाड़ी की टायर की बात करें तो इस गाड़ी में ओनर ने इसके टायर को चेंज कराया हुआ है और जो स्टॉक टायर आता है वो योकोहामा का आता है, एडवन DB। और इस गाड़ी की टायर साइज की बात कर ले तो इसमें 195/60 का टायर लगा हुआ है और 16 इंच का आपको अलॉय रिंग देखने को मिल जाता है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है जो ओल्ड मॉडल है सुजुकी स्विफ्ट, इससे जो पिछले जो जनरेशन थी उसकी तरह आपको बल्कि लुक नहीं मिलती, जबकि आपको साइड फ्रंट बैक इस गाड़ी में आपको में काफ़ी कर्व्स नज़र आते हैं और काफ़ी आपको मॉडर्निज्म नज़र आता है। गाड़ी के हैंडल की बात करें तो आपको इस गाड़ी में क्रोम के हैंडल मिल जाते हैं विद स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन है और इसके जो बैक डोर का हैंडल है वो जैसे क्रॉसओवर आती है CHR हो गई, HRV हो गई और विजल, उस तरह के आपको उस डिज़ाइन में आपको नज़र आते हैं इसके बैक जो डोर हैंडल्स हैं। गाड़ी के बैक पे देखते हैं तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं और ये जो ब्रेक्स हैं इसकी ABS के साथ आती हैं। सेकेंडली अब गाड़ी की बैक की तरफ चलते हैं और गाड़ी की बैक भी फ्रंट की तरह बहुत खूबसूरत है। बैक पे आपको फ्रंट की तरह LED लाइट्स मिल जाती हैं इस C डिज़ाइन में और जो गाड़ी के जो इंडिकेटर है वही सेम हैलोजन में है। जो ब्रेक लैंप्स हैं वो आपको LED में मिलते हैं। बैक पे आपको गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट में और प्री इंस्टॉल्ड आपको कैमरा मिलता है टॉप वेरिएंट में और यहाँ नंबर प्लेट की ऑप्शन है। ऊपर देखते चले तो ऊपर आपको सुजुकी का इधर बैजिंग मिल जाती है और इधर वो GLX CVT की बैजिंग। ऊपर देखें तो आपको जो चीज़ मज़ीद इंक्लूड हुई है प्रीवियस जो जनरेशन स्विफ्ट से वो इसमें आपको बैक पे वाइपर मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ वॉशर मिलता है, ऊपर आपको बैक जो ब्रेक लैंप मिल जाती है, ऊपर एक आपको एंटीना मिलता है। गाड़ी की अगर प्रोफाइल देखें एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, तो गाड़ी की जो प्रोफाइल से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ना इसका ना कोई रिजेंबलेंस है पिछले मॉडल स्विफ्ट के साथ, तो आपको पहचानने में कोई इतनी दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपको दूर से भी देखें तो आपको आइडिया हो जाता है यार आम बंदे को भी कि सुजुकी की स्विफ्ट है। तो ये था आउटर इसका लुक। तो इसके अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इंटीरियर में जाने से पहले अगर हम बैक बूट की तरफ देख लेते हैं तो एक मिनट मैं इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते हैं और यहाँ से हम गाड़ी को बूट को खोलते हैं। तो गाड़ी की हम बूट जब खोलते हैं तो हमें यहाँ एक ट्रे मिलता है, सेपरेशन ट्रे मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ हमें किसी किस्म का कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता कंपनी की तरफ से, सिर्फ ये एयर कंप्रेसर और ये प्रेशर ग्रिट है और टूल शूल है टायर वगैरह खोलने के लिए, जैसे कि आपको सुजुकी ऑल्टो में मिलता है या जापानीज गाड़ियों में। यहाँ टायर आपको शायद एडिशनल पेमेंट करके या आपको सेपरेट आफ्टर मार्केट खोना पड़े। और यहाँ आपको एक लाइट मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ अच्छी ऑप्शन लगी मुझे, रात के वक्त बहुत काम आएगी। यहाँ कुछ चीज़ वगैरह लटकाने के लिए ये होल्डर रखा हुआ है इन्होंने। और गाड़ी की स्पेस बात करें तो पुराने स्विफ्ट से बहुत बेहतर है इसकी, जो उसकी जो लेंथ है वो जो पुरानी स्विफ्ट है जो मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस है। इसमें आराम से एक बड़ा लगेज और छोटा मोटा सामान ना ईजिली आ सकता है। और बाकी यहाँ ऊपर देखते हैं तो यहाँ दो इन्होंने पकड़ने के लिए होल्डर रखे हुए हैं, यहाँ कोई बटन नहीं दिया हुआ और जो ऑटो बूट क्लोज का, वो वैसे अगर दे देते ना तो ज़रा आसानी हो जाती क्योंकि ना इसको आप खींच के बंद करना पड़ता है। ये देखिए ना ज़ोर से जान लगानी पड़ रही है। इसको बंद करते हैं और आप इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था इसमें स्मार्ट एंट्री है, ये है इसकी की, सुजुकी की जो स्मार्ट एंट्री वाली लॉक अनलॉक का बटन है। इसको हम यहीं से पहले इसको लॉक कर लेते हैं, अब इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गई है। चलें गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। अब गाड़ी की अगर सीट्स देख लेते हैं, सबसे पहले तो गाड़ी की जो सीट्स हैं बड़ी खूबसूरत एक बकेट स्टाइल में और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, फैब्रिक सीट्स हैं लेकिन।
और इसमें हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी हुई है मैनुअली और सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी हुई है। गाड़ी के डोर की तरफ देखते हैं तो गाड़ी का जो डोर है प्लास्टिक बिल्ट है टोटली, बल्कि इंटीरियर ही टोटली प्लास्टिक बिल्ट है क्योंकि बस क्वालिटी ठीक है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। इसके जो हैंडल्स हैं क्रोम की तरह पुरानी स्विफ्ट में भी सेम आता था, ये वहीं पावर विंडोज जो ड्राइवर साइड का ऑटो है, लॉक अनलॉक का बटन, विंडो लॉक, और इसमें साइड मिरर के कंट्रोल्स हैं और डिटेक्टेबल साइड मिरर्स के बटन हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ कप होल्डर, थोड़ा बहुत यहाँ स्पेस है स्टोरेज कंपार्टमेंट और नीचे आपको एक स्पीकर मिलता है। चलिए हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जो सबसे जो ड्राइवर साइड का जो पोर्शन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत लग्जरी आपको ना फील देता है। गाड़ी का जो इंटीरियर जो हैंडल की बात करें ना तो एक बड़ी प्रीमियम फील देता है, लेदर स्टिच्ड कंपनी फिटेड लेदर स्टिच इसका जो जैसे बड़ी गाड़ियों में सिविक वगैरह में आता है या टूसॉन या एमजी वगैरह में आपको लेदर स्टिच इसका मिलता है। जो हैंडल है 3-spoke स्टेयरिंग व्हील है विद ऑल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, इस सुजुकी का एम्बलम है। इसकी अगर बात करें ना मुझे ऑडी स्टाइल में थोड़ा बहुत ना मिलता जुलता लगता मतलब कि मिलता जुलता लगता है इसका। अगर बात करें इसके हैंडल की तो मुझे ना मिलता जुलता लगता है ऑडी के साथ ना, इन्होंने रिजेंबलेंस लगती है, इन्होंने वहाँ से कॉपी किया है इसकी जो फील है ना। नीचे से ज़रा कर्व है सॉरी नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ आपको ब्लूटूथ के और ये कॉल रिसीव और कैंसिल करने के बटन हैं। मजीद बात करें कि इस गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेते हैं फिर मजीद भी बात कर लेते हैं हम। गाड़ी का यहाँ पुश स्टार्ट का बटन लगा हुआ है क्रोम की लाइनिंग के साथ, इसको स्टार्ट करते हैं। ये है गाड़ी का स्टार्टअप। गाड़ी का मीटर है ना दो सेपरेट मीटर दिए हुए हैं और बड़ी खूबसूरत लुक के साथ रेड लाइनिंग जा रही है और सिल्वर किस्म के बॉर्डर दिए हुए हैं। लेफ्ट पे आरपीएम मीटर है, राइट पे स्पीडोमीटर है, साथ ही किलोमीटर के बीच में फ्यूल गेज है, लेफ्ट पे हीट गेज है, सेंटर में एमआईडी स्क्रीन है। इसमें आप डिफरेंट मोड्स वगैरह इसमें आप देख सकते हैं, इसमें किलोमीटर शो कर रहा है, इसमें फ्यूल एवरेज शो कर रहा है और रेंज शो कर रहा है, बाकी जो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह और जो गियर के जो इंडिकेशन है डी पी आर एन डी वो भी आपको ना मल्टीमीडिया जो उसकी एमआईडी स्क्रीन है उसमें शो हो जाता है। गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। लेफ्ट पे बात करें तो लेफ्ट पे इसके जो वाइपर कंट्रोल्स हैं, राइट पे इसके वो लाइट के कंट्रोल्स हैं और इधर आपको राइट पे बिल्कुल सिंपल सा और बड़ी चीप क्वालिटी लग रही है इस प्लास्टिक की आपको एसी विंग मिल जाता है एडजस्टेबल। नीचे बात करें तो यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है, पावर जो पार्किंग सेंसर है उसका ऑफ का बटन है और ये जो लाइट है फ्रंट उसकी हाइट एडजस्टमेंट जो होती है लेंथ की जो एडजस्टमेंट होती है किस आपने लेवल पर रखनी है गाड़ी की थ्रो उसकी एडजस्टमेंट है। गाड़ी का जो मीटर है उसकी भी आपको क्या कहते हैं जो एमआईडी से उसकी जो कंट्रोल है वो यहाँ से मिल जाते हैं। और फ्रंट कंसोल की तरफ आते हैं या फ्रंट इसके डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ ऊपर पुरानी स्विफ्ट की तरह ही दो आपको एसी विंग्स मिल जाते हैं लेकिन इसमें सिल्वर की जो लाइनिंग ऐड की हुई है। सेंटर में हैजर्ड वार्निंग का बटन, नीचे आपको काफ़ी 10.1 इंच में एलईडी कंपनी फिटेड ये तीनों मॉडल्स में जो स्टैंडर्ड है ये आपको स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। इसको मैंने और पर्सनली चलाया तो मैंने फिर ही आपको रिव्यू दे रहा हूँ, वैसे अपने से बातें नहीं कर रहा। नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे आपको कह लें सो कॉल्ड डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है लेकिन जो उसकी जो मूवमेंट वगैरह है जो फैन की वो आपने मैनुअली ही करनी है, शो आपको उसे डिजिटली होगा ठीक है। और इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है एसी की बहुत अच्छी है गर्मियों में बिल्कुल मतलब कि खास तौर पे। नीचे आपको 120 वोल्ट 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है सॉकेट और यहाँ 2 कप होल्डर स्टोरेज कंपार्टमेंट और यहाँ कुछ भी नहीं है। इधर की बात करें गियर में तो इसमें 5-speed इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन मिल जाती है और इसमें PR ND LK मोड्स हैं और जो S मोड जो है उसको यहाँ से ये स्पेशल इन्होंने लगाया हुआ स्पेशल, इसको जब आप दबाएंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी गाड़ी और ये यहाँ से इसका इंडिकेशन नज़र आ जाएगा आपको। तो इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव है स्पोर्ट्स मोड में, मैंने खुद पर्सनली ड्राइव किया है इसको। मैनुअल देखें तो हैंड ब्रेक इसकी मैनुअल है, किसी किस्म का कोई जो कि पुरानी स्विफ्ट का भी मसला था इसमें कोई इन्होंने आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ जो कि देना चाहिए था। 50 लाख की गाड़ी है, इसकी प्राइस रेंट में बताऊँगा इन्होंने कितने की बाई की। एयरबैग की बात करें इस गाड़ी में मल्टीपल एयरबैग्स हैं, एक इधर है एक पैसेंजर वाली साइड पर है, 2 पिलर्स पे हैं मतलब एक एक साइड पे एक मेरी साइड पे और 2 सीट्स पे हैं एक ये राइट की साइड पे। यहाँ आपको मैं शो करा देता हूँ बल्कि आपको यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ आपको नज़र आएगा एक GSRS एयरबैग है मतलब कि 2 सीट्स पे हैं, 2 पिलर्स पे हैं और 2 फ्रंट पे मतलब 6 एयरबैग हैं टॉप वेरियंट में। गाड़ी के अंदर थोड़ी ऊपर वाली साइड पर चलें तो ये जो आपके जो वैनिटी मीटर्स वगैरह हैं जो
इसमें मिल जाता है, राइट साइड पे मिलता है और लेफ्ट साइड पे भी मिलता है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी वगैरह है वो बहुत चीप है। और स्पेशली ये जो ऊपर की हुई लाइट है, ये आपको कल्टस वाली मिलती है, हेलोजन लाइट मिलती है, ये आपको मेहरान वाला, ये सॉरी अल्टो वाला मिलता है सिंपल। ये आपको अगर देते थे ऑटो डीमिंग तो ज़्यादा बेहतर था, बल्कि ज़्यादा अच्छा भी था। और इतनी महंगी गाड़ी है तो यार कुछ तो मजीद ऑप्शन देनी चाहिए थी, क्योंकि अंदर बैठ के ना इस साइड पे आपको बिल्कुल लोकल फील आती है। इधर देख लेते हैं ग्लव बॉक्स में, तो आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है, ये एलईडी की सॉरी एलसीडी के साथ वायर्स आ रही है, इसमें आप कोई कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेफ्ट पे देखें तो वही पावर विंडो कंट्रोल है, वही हैंडल है क्रोम का, नीचे वही स्पीकर के साथ आपको कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। तो ओवरऑल फ्रंट पे चार कप होल्डर की स्पेस है, स्टोरेज कंपार्टमेंट बहुत बेहतर है इसमें, यहाँ फोन वगैरह रख लें आप। और ये था गाड़ी का फ्रंट लुक। जो ड्राइवर साइड की स्पेशल बात करें, ये जो पोर्शन है ये सारा, इसमें आपको कोई चीप और कोई आपको लोकल फील नहीं आती। हाँ ये है कि अब आपको टच करेंगे तो वो फिर सारा प्लास्टिक है, ये देखिए सारा प्लास्टिक है। यहाँ थोड़े बहुत इन्होंने सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है, जो सॉरी ग्रे का इस्तेमाल किया गया, पूरी गाड़ी में ना टू टोन टच दिया हुआ है इन्होंने। लेकिन जो दूसरी गाड़ी है इसे बेसिक वेरियंट, वहाँ यहाँ इन्होंने वाइट कलर दिया हुआ है, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है मुझे तो। बाकी गाड़ी के बैग में चलते हैं, सीट को कर लेते हैं पूरी पीछे और देखते हैं उनके बैग में क्या सिस्टम है, कितनी स्पेस है बैग बैग पैसेंजर्स के लिए। डोर को ओपन करते हैं, एक मिनट में ज़रा खोल देता हूँ दोबारा, शायद यहाँ से लॉक था ये तो चले गाड़ी के। अब देखते हैं बैग पे, जो पुरानी स्विफ्ट है उसमें तो बहुत कम स्पेस थी, लेकिन ये गाड़ी की सीट बिल्कुल पूरी पीछे है। और ये आपके सामने मेरे ख्याल से, मेरी हाइट 5'7" है, 5'8", तो उसके लिए तो कोई इतना इशू नहीं हो रहा। हाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ, कोई इतना बहुत कंफर्टेबल नहीं बैठा अगली सीट की तरह, लेकिन अगर कोई सीट पूरी पीछे होती है जो कि आमतौर पर होती नहीं है, तो उसके लिए 6 फीट का बदल उसके लिए मुश्किल हो सकती है। बाकी सेंटर में थोड़ा सा बम्पर, सेंटर में थोड़ा सा बम बना हुआ है और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है। तीन अच्छी चीज़ें यहाँ बैग पे, आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ मेरे ख्याल से चार बंदों के लिए गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी और एक छोटा बच्चा, इन सिटी और लॉन्ग पे दोनों के लिए। बाकी सीट्स इसकी पुरानी स्विफ्ट की तरह ही है, बैक जो इनके जो लेग स्पेस है वो पुरानी स्विफ्ट की तरह ही है। हाइट गाड़ी की ठीक है, बेहतर है और आपको चारों तरफ थोड़ी तीन तरफ आपको हैंडल्स मिल जाते हैं होल्डिंग के लिए, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे। तो ये था रिव्यू। तो एंड पे अब गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी की जो प्राइस है उसको मैं ना बता देता हूँ आपको, गाड़ी की जो प्राइस आजकल चल रही है वो 50 के अराउंड चल रही है, गाड़ी की जो इनवाइस है 52 के अराउंड। लेकिन जो इन्होंने ओनर ने ली थी ये 2023 में, मे बी जब गाड़ी की जो प्राइस हाइक हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने ली थी कोई 4750 की। तो मुझे तो गाड़ी वर्थ वाइज तो नहीं इतनी अच्छी लगती, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गाड़ी की वर्थ क्या होनी चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या ये ओवर प्राइस्ड है या अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है 50 लाख को। क्योंकि मुझे ना आउटर और इनर क्वालिटी थोड़ी सी पेंट क्वालिटी चीप लगी, अंदर का जो इंटीरियर की जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो भी काफ़ी चीप लगी है। तो मैं तो कभी सूरत इसको रिकमेंड नहीं करूँगा 50 लाख में। बाकी आप जो यूज़र्स हैं वो भी अपना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको रिव्यू भी कैसा लगा और इसको आप 50 लाख के बजट में बाय करना पसंद करेंगे कि नहीं। तो ये था आज का रिव्यू, यहाँ लेते हैं वक्फा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।